हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज पीएनआईडी सीरीज का पांचवा पार्ट है और होपफुली आज के इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने ऑलरेडी चार वीडियोस बनाई है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के इक्विपमेंट सिम्बोलॉजी के साथ फिर पाइपिंग सिम्बोलॉजी के बारे में हमने बात किया था। और आज का ये जो टॉपिक है आखिरी टॉपिक है इस पीएनआईडी सीरीज़ का। तो और काफ़ी आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस पे, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी चीज़ें मैं आप तक बताना चाह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। तो आज के इस वीडियो को हम आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग अगर पीएनआईडी देखते हैं ना तो इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट से ही घबराते हैं। उनको इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बहुत ही क्या बोलते हैं, खतरनाक लगता है। तो इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से कवर करूँगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट। और बिल्कुल आसान है यार, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, है ना? लोग पता नहीं कैसे इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट इट्स वेरी इजी। तो चलो आज शुरू करेंगे पांचवें पार्ट को और वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखते रहना, तभी सारी चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो बीच में छोड़ के भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। वेल ये पीएनआईडी सीरीज़ का पाँचवा पार्ट है, राइट? और देखो, अगर आपको इस सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? www.sonusingrefinery.com पर आप जा सकते हो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। हालांकि अभी तक ये पीडीएफ अपलोड हुआ नहीं है क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि पूरा एक बार जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, यानी आज का वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा साइट पर। तो आप साइट पर जा करके www.sonusingrefinery.com से आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा कुछ अलग से भी पीएनआईडी सिंबल्स के पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा, वो भी आप ले लेना, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको हेल्प मिलेगी, है ना? तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको बता दूं, मेरा नाम सोनू है, आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हो। यहाँ पर हम ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, शटडाउन और मेंटेनेंस से रिलेटेड और पाइपिंग सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो एक बार चैनल को विजिट करो। ये आप जो देख रहे हो ये एक बेसिक इंटरफेस है हमारे चैनल का। आप सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करोगे और यूट्यूब पे पहुँचोगे तो ऐसा कुछ हमारा चैनल आपको दिखेगा। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को विजिट करो, अगर लगता है कि आपके लायक वीडियोस हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले के वीडियोज़ को देखो तो आपको लिंकअप करने में, कनेक्ट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। तो हमने बताया था कि किसी भी पीएनआईडी को समझने के लिए तीन पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो बेसिक इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहला पार्ट हमने डिवाइड किया था इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन पाइपिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में, एंड देन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हमने इक्विपमेंट और पाइपिंग वाले पार्ट को पहले ही कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं, राइट? तो सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट सिम्बोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, राइट? तो जैसा कि आप पीएनआईडी का अगर फुल फॉर्म आप देखो तो उसका फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से आप क्या समझते हो? तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोसेसेस। मतलब जो भी आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री है, चाहे वो रिफाइनरी हो या फिर पेट्रोकेमिकल हो या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री हो, तो उसमें जो भी प्रोसेस फ्लो होते हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा
हम किसी भी प्रोसेस के फ्लो को मेजर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, राइट। और एक और बेसिक डिफिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सो एन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेबल एक्सेट्रा। यानी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का डिवाइस है। क्या है इंस्ट्रूमेंट? एक प्रकार का डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है फील्ड में, जैसे कि आप प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइक फ्लो हो गया, या फिर लेवल हो गया। तो इन सारे क्वांटिटीज को जिसकी हेल्प से मेजर किया जाता है, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन एक दो पॉइंट और है इसमें कि लाइक PNID शोज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट ओवर द प्लांट इन वेरियस प्रोसेसेस। यानी प्लांट के अंदर जो भी वेरियस प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, PNID उनको शो करता है। एंड देन एवरी इंस्ट्रूमेंट इज आइडेंटिफाइड एंड शोन बोथ स्कीमेटिकली एंड सिंबॉलिकली ऑन PNID। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्कीमेटिकली और सिंबॉलिकली PNID पर दिखाया जाता है। स्कीमेटिकली मतलब ग्राफिकली, या फिर सिंबल्स के द्वारा आप बहुत ही इजी तरीके से PNID पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। जैसे ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक ये क्या है, ये थर्मोकपल है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, राइट। इसके अलावा ये जो है ऑरिफिस है जो कि फ्लो को मेजर करता है, किसी भी प्रोसेस लाइन के अंदर जो फ्लो हो रहा है, तो उसके उसके फ्लो को मेजर करने के लिए ऑरिफिस को यूज किया जाता है। देन ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, अभी हम समझेंगे इन सारी चीजों के बारे में, है ना। चलो अब देखो, अब हमें आइडेंटिफाई करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, राइट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमें पाइपिंग का आइडेंटिफिकेशन करना था, लाइन का आइडेंटिफिकेशन करना था, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे थे? कुछ प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, है ना। उसके बाद कुछ और भी सफिक्स था, जो अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। वो क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है, जैसे फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर। मतलब दो या तीन लेटर होते हैं जिनके थ्रू आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अभी हम देखेंगे इसको, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा ये तो प्रीफिक्स हो गया, टैग नंबर हो गया। देन देन टैग नंबर होता है, टैग नंबर क्या होता है? PNID का नंबर होगा या फिर सीक्वेंस होगा। ये एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी भी PNID को देखने से पहले आपको उस PNID के लीजेंड्स को फॉलो करना होता है ना, ताकि आपको क्लियर चीजें पता हो, बातें अच्छे से समझ में आए। लाइक उसके जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो भी सिंबल्स हैं, वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो एक लीजेंड से पता चलेगा। तो फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी PNID देख रहे हो तो उसके लीजेंड्स को जरूर फॉलो करो। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि टैग नंबर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो कई लोग टैग नंबर डिफाइन करने के लिए PNID नंबर लेते हैं, या फिर कुछ अलग से सीक्वेंस लेते हैं, या फिर कुछ यूनिट के नंबर के हिसाब से वो डिफाइन करते हैं टैग नंबर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और क्लाइंट टू क्लाइंट वैरी करता है, राइट। अभी हम समझेंगे सारा चीज। इसके अलावा एक आपका अल्फाबेटिक रहेगा टैग में, यानी ABC इस तरीके से कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स हो सकता है। वो किस लिए होता है? वो अगर मान लो कि कहीं पे सेम टैग रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि दो तीन टैग लगे हुए हैं सेम कैटेगरी के, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ABC ऐसे नाम दे देते हैं कैटेगराइज करने के लिए, ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। अब देखो, अब ये जो चीज हमने देखा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको देखो, यहां देखो, जैसे ये आपका क्या है, ये एक टैग नंबर है। जैसे ये देखो,
ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड देन 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एल एस ए और नीचे में क्या लिखा है 3 6 5 4 3, तो ये जो एल एस ए है ना, ये टैग प्रीफिक्स है, ठीक है। ये अप टू 5 डिजिट तक हो सकता है एज पर नोमेनक्लेचर। यहाँ पे 3 डिजिट है, अप टू 5 डिजिट तक हो सकता है। इसके अलावा ये टैग नंबर है। टैग नंबर कैसा रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा। उसके बाद फिर से क्या है, इसमें टैग अल्फाबेटिक है। टैग अल्फाबेटिक क्यों है, इसलिए कि अगर हो सकता है कि रिपीटेटिव अगर वो इंस्ट्रूमेंट हो, अवेलेबल हो, अगर एक से ज्यादा हो, तो उसको अल्फा बीटा ऐसे और ऐसे चार्ली, इस तरीके से हम नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं। अब देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, प्लांट के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक बेसिक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल के द्वारा। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें डिनोट करना होगा, तो उसे हम एक सर्कल बना देंगे, तो उससे हमें डिनोट होगा कि ये क्या है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अब देखो, जैसे यहां पे देखो, ये क्या लिखा, ये क्या है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर केवल सर्कल बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फील्ड में माउंटेड है। इंस्ट्रूमेंट कहां पे है, फील्ड में है। जैसे आप देखो, यहां पे ये क्या बना है, एक सर्कल बना है, राइट, एक सर्कल बना है। तो यहां पे क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर फील्ड माउंटेड। जैसे ये कोई छोटा सा मान लो कि वेसल ही है, इसमें ये देखो कुछ ट्रांसमीटर लगा हुआ है, या फिर कोई एलिमेंट है, तो ये क्या है, डायरेक्टली फील्ड में लगा हुआ है ना। तो इसलिए इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, सर्कल से। यानी क्या है, सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, फील्ड माउंटेड ऑन पाइपलाइन। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ये क्या है, ये ट्रांसमीटर को ही है, जो ये ट्रांसमीटर क्या है, डायरेक्ट पाइपलाइन पे इंस्टॉल्ड है। तो इसको डिनोट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट फील्ड में होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल से डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर सर्कल के अंदर हम एक ऐसे सिंपल लाइन अगर खींच देते हैं, ऐसे अगर एक लाइन से पार्टीशन टाइप का बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड इन द कंट्रोल रूम और कंट्रोल पैनल। बात आ रही है समझ में। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पैनल पर होगा, कंट्रोल पैनल पर होगा, तो उसे कैसे पहचानेंगे, उसे पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, सर्कल के अंदर क्या रहेगा, एक डैश लाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कल के अंदर ये डॉट डॉट लाइन हो, डॉट डॉट लाइन हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो पैनल पर है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द पैनल, बट वो विजिबल नहीं है। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट फील्ड में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट माउंटेड हो, तो उसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर ये, जैसे देखो, ये क्या है, कोई पैनल है, ठीक है, ये क्या है, कोई पैनल है। तो अगर इस पैनल पर कोई इंस्ट्रूमेंट माउंटेड है, जैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट माउंटेड है इस पैनल पर, ये स्विचेज हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स है, तो अगर ये पैनल पर माउंटेड है, तो इसको अगर डिनोट करना है इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान, तो कैसे करेंगे, ऐसे सर्कल के अंदर ये एक लाइन लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बोर्ड माउंटेड और इंस्ट्रूमेंट दैट आर माउंटेड ऑन कंट्रोल बोर्ड। बात क्लियर हो रही है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पूरा चीज क्लियर करेंगे, डोंट वरी। पहले बेसिक्स चीजें आप समझ लो, क्योंकि बेसिक्स पहले क्लियर करना जरूरी है। देन ये देखो क्या है, अभी सर्कल के अंदर क्या है, ये डैश डैश है, डॉट डॉट लाइंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बोर्ड माउंटेड इनविजिबल, मतलब वो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं। जैसे ये देखो पैनल है, ये पैनल के जो, ये देखो जो पैनल है, पैनल के बाहर जो दिख रहा है, उसे हम कैसे सॉलिड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो चीजें हैं, इसके अंदर जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, इनको डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये जब क्लोज्ड कंडीशन में रहेगा, बंद कंडीशन में रहेगा, तो
तो ये अंदर वाली चीजें है तो आपको दिखेगी नहीं, ऑपरेटर कोई भी रहेगा या फिर लाइक डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो अगर कोई भी चीज डायरेक्टली विजिबल नहीं है कंट्रोल बोर्ड पर या फिर कंट्रोल पैनल पर, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? सर्कल के अंदर डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर माउंटेड बिहाइंड कंट्रोल पैनल बोर्ड, सो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ध्यान से समझते चलना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा चीजें। अब देखो, अब इसके बाद एक और सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम जब देखेंगे लाइव एग्जांपल देखेंगे तो पीएनआईडी देखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कि जैसे सर्कल के अंदर सर्कल है तो ये फील्ड माउंटेड है, इसके अंदर हमने डैश दे दिया तो ये पैनल माउंटेड है, और इसको अगर हम एक स्क्वायर के अंदर बंद कर देते हैं, स्क्वायर के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है डीसीएस पर। कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम पर। जैसे ये जो आप मॉनिटर्स देख रहे हो, डीसीएस देख रहे हो, इसे हम डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें आपको इंडिकेट होंगी, दिखेंगी। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर फंक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस रेफर्स टू अ कंट्रोल सिस्टम यूजुअली ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ डायनेमिक सिस्टम इन विच द कंट्रोलर एलिमेंट्स आर नॉट सेंट्रल इन लोकेशन बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम विथ ईच कंपोनेंट सब सिस्टम कंट्रोल्ड बाई वन और मोर कंट्रोलर्स। द इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोलर्स इज कनेक्टेड बाई नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो देखो, अगर आप ऐसा कहीं भी सिंबल देखते हो तो इससे आपको समझ जाना है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सीधा हमारे डीसीएस पैनल पर गया हुआ है, और हम डीसीएस से इजीली हम उस इंस्ट्रूमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा बेसिक चीज पहले समझते हैं, फिर आगे हम पीएनआईडी ड्राइंग पर देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ ये लीजेंड्स है मेरे पास में, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप पीएनआईडी लेके बैठो तो लीजेंड्स आपके पास होना लाजिम है, होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट का नंबरिंग कैसे किया हुआ है ये पहले आप देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्स, लाइक मतलब पहले जो 2 डिजिट इसका दे रहा है वो क्या शो कर रहा है? यूनिट नंबर शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 71 लिखा हुआ है तो ये 71 क्या है? यूनिट नंबर है। इसके बाद ये यहाँ पे जो 4 डिजिट लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर है, मतलब इससे हम डिसाइड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। लाइक यहाँ पे एफ आई लिखा हुआ है, तो एफ आई का मतलब क्या हुआ? फ्लो इंडिकेटर, राइट। इसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का नोमेनक्लेचर क्या है, नंबर क्या है। एक बार इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया कि ये फ्लो इंडिकेटर है, तो फ्लो इंडिकेटर का ये नंबर कौन सा है, ये नंबर यहां से हम क्लियर करेंगे। जैसे 004 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस नंबर हो गया। और लास्ट में एक सफिक्स दिया हुआ है, सफिक्स यानी ए बी सी ऐसा कुछ भी रहेगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि अगर एक से ज्यादा अगर वो सेम इंस्ट्रूमेंट है किसी फील्ड में माउंटेड है तो इससे हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया इंस्ट्रूमेंट का। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ लाइंस भी हैं जो मैं पहले भी कवर किया था मैंने, तो इसको आप देख लो। एक बेसिक चीज है कि इंस्ट्रूमेंट लाइन कैसे, अगर सिंपल एक थिन लाइन रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट सप्लाई है या फिर किसी प्रोसेस से कनेक्टेड है, मतलब मेन पाइपलाइन ये नहीं है, या तो इंस्ट्रूमेंट की लाइन है या फिर किसी प्रोसेस से कनेक्ट है अगर थिन लाइन रहेगा तो। इसके बाद ये एक लाइन के ऊपर अगर डबल स्लैश अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ये आपको समझना है कि ये इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन है, न्यूमेटिक सिग्नल है, राइट। इसके अलावा ये लिंक टाइप का अगर कोई आपको लाइन दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल है, इस ये जो लाइन है इससे ये पता चलता है कि ये जो लाइन है ये सीधा डीसीएस को गया है, लाइक सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक की लाइन है और ये सीधा डीसीएस की ओर गया हुआ है। और ये जो डैश डैश है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जैसे ट्रांसमीटर से कंट्रोलर की के पास जो सिग्नल्स वगैरह जाते हैं उसको इस डैश डैश लाइन से डिनोट किया जाता है।
इसके अलावा ये हाइड्रोलिक सिग्नल का सिंबल है, ये कैपिलरी ट्यूब का सिग्नल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है और ये मैकेनिकल लिंक का सिग्नल है। इस तरीके से ये बेसिक कुछ लाइंस हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ सिंबल्स आपको समझना है, सिंबल्स अभी तो हम उसको कवर करेंगे ही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिंपल ऐसा कोई सिंबल है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर सर्कल है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब जैसे आप देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है, कोई भी जैसे यहाँ पे सिंपल एक सर्कल बनाया हुआ है और दोनों तरफ से डैश लाइन दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है, जनरल सिंबल है, मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे पता चलेगा, वो उसके नोमेनक्लेचर से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर इसका पढ़ा ना, इसका नंबरिंग, तो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर से पता चलेगा, इसके अलावा उसके नंबरिंग से पता चलेगा और देन उसके सफिक्स से पता चलेगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अब जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एफटी लिखा हुआ है, एफटी एफटी लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कोई ट्रांसमीटर है और एफ से क्या होता है, फ्लो होता है, तो ये क्या है, फ्लो ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, अगर यहां पे ये देखो सिंबल, ये सिंबल है, ये बेसिकली बेसिकली ये क्या है, लीजेंड्स है, तो इस लीजेंड्स में दिया है कि अगर आप पीएनआईडी में कहीं पे भी अगर ऐसा सिंबल आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑरिफिस प्लेट है, ट्रांसमीटर इसके साथ लगा हुआ है। इसके अलावा अगर कहीं पे एफ आई लिखा हुआ है और इस तरीके का सिंबल है, तो आपको ये समझना है कि ये रोटामीटर है, जो कि ऑप्शनल इंटीग्रल वाल्व उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, एफ ई लिखा हुआ है, इसके फिर ऊपर एफ टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फ्लो एलिमेंट है लाइन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर फ्लो एलिमेंट है और उसके साथ ट्रांसमीटर लगा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये जैसे कि ये यहाँ पे जो ये फ्लो ट्रांसमीटर है ना, ये इस फ्लो एलिमेंट के साथ ही लगा हुआ है, इंटीग्रल, ये देखो इन लाइन फ्लो एलिमेंट विथ इंटीग्रल ट्रांसमीटर, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि ये फ्लो एलिमेंट के बाद यहाँ पे ये लाइन कनेक्टेड नहीं है, डॉट डॉट है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी वो उसके साथ ये जो फ्लो एलिमेंट है और ये जो फ्लो ट्रांसमीटर है, इस फ्लो एलिमेंट के साथ में ये ट्रांसमीटर कनेक्टेड नहीं है, बल्कि रिमोटली है, कुछ दूरी पर है ना। तो वो कैसे पता चला, ये डैश डैश लाइन से, सिग्नल वाली लाइन से, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन लाइन फ्लो एलिमेंट विथ रिमोट ट्रांसमीटर, है ना। तो इस तरीके से बेसिक चीजें आपको समझनी है, ये कुछ सिंबल्स हैं। मैं आपको ये पीएनआईडी दे दूंगा, आप एक बार अच्छे से स्टडी करना, है ना। मैं आपको तरीका बता देता हूं किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके से आपको समझना है, बाकी आप इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, इस पे थोड़ा सा होमवर्क करो, राइट। ये कुछ फ्लो नोजल्स के सिंबल हैं, अगर ऐसा कहीं पे आपको सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब वेंचुरी है ना। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स देखने के लिए मिलेंगे पीएनआईडी में। इसके अलावा ये कुछ कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर्स वगैरह हैं, जैसे अगर यहाँ पे आपको कहीं पे अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये मैनुअल ऑपरेटर है, मैनुअली ऐसा अगर डंडी कहीं दिखता है तो आपको समझना है कि मैनुअली ऑपरेट करना है उस वाल्व को, राइट। इसके अलावा अगर कहीं ऐसा सिंबल दिखता है तो प्रेशर बैलेंस डायफ्राम है ये। इसके अलावा ये ऐसा अगर कहीं पे आपको दिखता है सिंबल, तो ये डिफरेंशियल प्रेशर रिड्यूसिंग रेगुलेटर है। इसके अलावा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, ये EH लिखा हुआ है, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, M यानी मोटर ऑपरेटेड वाल्व है ना। इसके अलावा ये S कहीं पे, बहुत सारे जगह पे आपको S ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये समझना है कि सिंगल सोलेनोइड विथ रिमोट रीसेट, ये ऐसा इंडिकेट करता है। इसके अलावा सिलिंड्रिकल और पिस्टन ऑपरेटेड वाल्व है, अगर ऐसा कहीं आपको दिखेगा तो। इसके अलावा ऐसा अगर आपको कहीं दिखता है तो डायफ्राम ऑपरेटेड वाल्व है ना। ये अगर कहीं सिंबल आपको ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये इसमें हैंडविल भी है और एक्चुएटर भी है ना। तो हैंडविल यूज्ड विथ एनी एक्चुएटर है ना। और ये अगर ऐसा कुछ कहीं पे आपको सिंबल दिखता है तो आपको समझना है कि सिंगल सोलेनोइड वाल्व है ना। अगर ऐसा कहीं पे आपको कंट्रोल वाल्व दिखता है तो आपको समझना है कि ये
एक लिमिट स्विच उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे सिंबल्स को समझना है, ये सारे सिंबल्स को याद रखना है। बेसिकली कभी कभी आप इस तरीके के सिंबल देखोगे तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, और ये वाल्व कोई भी हो सकता है, बॉल वाल्व हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, गेट वाल्व हो सकता है, कोई भी वाल्व हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके का कहीं पे आपको सिंबल दिखता है तो इसका मतलब हुआ प्रेशर रिड्यूसिंग रेगुलेटर ऑन ऑफ ऑपरेटेड वाल्व है ना। अगर ऐसा कहीं पे आपको दिखता है तो इसका मतलब ये समझना है सेल्फ कंटेंड प्रेशर रिड्यूसिंग रेगुलेटर है। तो बेसिकली सारा का सारा खेल जो है वो क्या है, लीजेंड्स का है, लीजेंड्स में सिंबल्स का है, सिंबल्स आपको समझना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में समझा, इसके बाद हमने टैग को पढ़ना सीखा कि टैग को कैसे पढ़ते हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी जनरल इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करने के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइंस देखो लिखा हुआ है, अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है फील्ड में है, ठीक है। अगर कोई सॉलिड लाइन है तो इसका मतलब वो कंट्रोल रूम में है और कंट्रोल पैनल पर है, या फिर बोर्ड पैनल पर है वो इंस्ट्रूमेंट। अगर डैश लाइन है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर डैश लाइन है तो मतलब वो कंट्रोल रूम, मतलब कंट्रोल पैनल और कंट्रोल बोर्ड के पीछे है, मतलब डायरेक्टली कोई भी ऑपरेटर या फिर कोई भी पर्सन उसको देख नहीं सकता है, राइट। उसके बाद अगर कहीं पे भी कहीं डबल लाइन भी रहता है, जैसे ऐसे अगर सर्कल के अंदर डबल लाइन भी रहता है तो उसका मतलब होता है कि वो रिमोट पैनल है, वो पैनल कहीं दूर लगा हुआ है, ठीक है। और डबल डैश लाइन है मतलब वो भी रिमोट पैनल ही है, लेकिन वो पैनल के पीछे है, बोर्ड पैनल या फिर कंट्रोल पैनल के पीछे है, बिहाइंड में, अंदर में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये सारा चीज आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा है, इधर देखो ये क्या है, जैसे ये आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर ये एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और यहाँ पे कोई एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस पाइपिंग, अगर पाइपिंग को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक थिक लाइन से डिनोट करते थे, जैसा कि पहले पाइपिंग सिंबोलॉजी वाले में हमने कवर किया था। इसके बाद ये जो मेन लाइन से जो प्रेशर गेज कनेक्टेड है तो इसको डिनोट करने के लिए एक थीन लाइन का यूज किया गया है ना। आप जैसे अगर यहाँ पढ़ोगे, अ थीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट प्रोसेस सब पाइपिंग इधर टू इंस्ट्रूमेंट और बाईपास प्रोसेस लाइन। अगर कोई पतला ऐसे लाइन रहता है तो या तो वो प्रोसेस का लाइन हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंट का लाइन हो सकता है, राइट। अब जैसे देखो, ये एक और एग्जांपल देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कोई, मान लो कि ये कोई वेसल है या फिर टैंक है, तो अगर इसमें अगर ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी पैनल पर लगा हुआ है, किसी बोर्ड पैनल पर लगा हुआ है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर एक डैश लाइन, सर्कल के अंदर एक सॉलिड लाइन का यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट डीसीएस पर, ये क्या है, ये डीसीएस है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, तो अगर इस पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हो तो उसको डिनोट करने के लिए क्या होगा, ऐसे सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर एक स्क्वायर रहेगा और ये सॉलिड लाइन रहेगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये मेन पार्ट है, कोर चीज है जो आपको समझना था। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो ये देखो, ये सिंबल्स सारे मैं sonusingrefinery.com वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और आप जब भी आपको टाइम मिले तो रिवाइज करते रहना, देखते रहना, तो आपको ये सारी चीजें समझने में हेल्प होंगी। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर कैसे सिंपल सर्कल से डिनोट हो रहा है ना। इसके बाद ये कुछ प्रेशर गेज अगर कहीं पे है तो ऐसे ऐसे इस तरीके का सिंबल रहेगा। इसके अलावा मेन अपने को ये देखना है, ये वाला, जैसे अगर अंदर में टी आई लिखा हुआ है, टी आई लिखा हुआ है, तो टी से क्या होगा, टेम्परेचर, और आई से क्या होगा, इंडिकेटर।
तो अगर कहीं पे TI लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्परेचर इंडिकेटर है, राइट। अगर कहीं पे TT लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। अगर कहीं पे TR लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो टेम्परेचर रिकॉर्डर है। अगर कहीं पे TC लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि टेम्परेचर कंट्रोलर है। अगर कहीं पे FI लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि फ्लो इंडिकेटर है। अगर कहीं पे FT लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि फ्लो ट्रांसमीटर है। FR लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि फ्लो रिकॉर्डर है। तो हम इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? तो एक शीट है हमारे पास, एक शीट है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे ये देखो, ये एक शीट है। अगर जैसे यहां पे हम अभी बात कर रहे हैं कि यहां पे जैसे T है पहले, तो अगर पहला लेटर T होगा तो उसका ऑलवेज मीनिंग होगा टेम्परेचर। क्या होगा? अगर T कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका हमेशा आपको यह समझना है कि उसका मतलब होगा टेम्परेचर। अगर कहीं पे F लिखा हुआ है तो उसका हमेशा मतलब होगा फ्लो। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे या फिर कैसे समझेंगे? तो ये देखो, ये यहाँ पे कुछ चार्ट्स है जिसके द्वारा आप देख सकते हो, है ना। देखो, फर्स्ट लेटर अगर एक कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? एनालिसिस। अगर बी है तो बर्नर कंबशन। अगर सी है तो उसका कोई क्लास नहीं है, वो अनक्लासिफाइड है। अगर डी पहले कहीं आता है तो डेंसिटी। तो मेन चीजें जो आती हैं उसको आप ध्यान रखो मेरे हिसाब से। जैसे एफ आता है, हर जगह आप एफ देख लोगे, कहीं भी फ्लो मीटर लगा रहेगा तो एफ रहेगा। तो एफ का मतलब क्या हो गया? फ्लो। इसी तरीके से अगर कहीं पे भी आपको LL दिखता है तो इसका मतलब हो जाएगा लेबल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे P दिखता है तो इसका मतलब हो गया प्रेशर, ठीक है। अगर कहीं पे आपको T दिखता है तो इसका मतलब हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी V दिखता है तो इसका मतलब हो गया वाइब्रेशन। पहला लेटर की बात हो रही है। पहला लेटर के बाद अगर कोई भी लेटर आएगा, अगर A लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा अलार्म, ठीक है। अब देखो, अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम सब क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। अगर कहीं पे पहला लेटर के बाद अगर कहीं पे D लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा डिफरेंशियल। अगर पहले लेटर के बाद अगर कहीं पे H लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा हाई। देखो यहां से क्लियर करो। जैसे देखो, अगर पहला लेटर यहां पे क्या लिखा हुआ है? T, तो ये क्या हो गया? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अगर पहला लेटर के बाद फिर से अगर T कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसमीटर। पहला लेटर से टेम्परेचर और पहला लेटर के बाद अगर फिर से T आता है तो उसका मतलब ट्रांसमीटर। अब ये देखो, यहां पे लिखा होगा, जैसे यहां पे टेम्परेचर, T से क्या है? टेम्परेचर। और अगर फिर पहले लेटर के बाद अगर कहीं पे T आता है तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमीटर। इसी तरीके से अगर S कहीं पे आता है पहले लेटर पे तो उसका मतलब स्पीड है, और दूसरे लेटर पे अगर कहीं पे आता है S तो इसका मतलब क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूं। तो अगर कहीं पे TC लिखा हुआ है तो T फॉर टेम्परेचर और C फॉर कंट्रोलर। तो गाइज, इस तरीके से आप लोगों को ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, और बार बार अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, देखोगे, समझोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। जैसे LI का मतलब क्या हुआ? लेवल इंडिकेटर। LT का मतलब लेवल ट्रांसमीटर। LR लेवल रिकॉर्डर। LC लेवल कंट्रोलर। FI फ्लो इंडिकेटर। FT फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो रिकॉर्डर। फ्लो कंट्रोलर। प्रेशर इंडिकेटर। प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर रिकॉर्डर। प्रेशर कंट्रोलर। देन ट्रांसड्यूसर। देन प्रेशर इंडिकेटिंग कंट्रोलर, PIC प्रेशर इंडिकेटिंग कंट्रोलर, PRC प्रेशर रिकॉर्डिंग कंट्रोलर, है ना। LA लेवल अलार्म। FE फ्लो एलिमेंट। TE टेम्परेचर एलिमेंट। LG लेवल गेज। AT एनालाइजर ट्रांसमीटर। बात आ रही है समझ में? और इसका मतलब हम अभी तक 2 से 3 बार समझ चुके हैं, फिर भी हम इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ें यही है
ना, सर्कल रहा मतलब वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट फील्ड में माउंटेड है, लोकली माउंटेड है ना। इसके बाद अगर डैश लगा हुआ है, अगर ये सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंट्रोल रूम में है, कंट्रोल पैनल पे है, कंट्रोल बोर्ड पे है, और वो नॉर्मली आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर डैश लाइन है, तो वो क्या है, वो कंट्रोल पैनल कंट्रोल रूम के पीछे है, वो आप देख नहीं सकते हैं, है ना। और ये क्या है, अगर डबल लाइन है, तो वो क्या है, रिमोटली रिमोटली मतलब लोकेशन, जो लोकेशन है वो रिमोट है, मतलब पास में नहीं है, दूर माउंटेड है इंस्ट्रूमेंट। अगर डबल लाइन है, तो वो रिमोटली लोकेटेड है, बट क्या है, पैनल के पीछे है ना। तो ये सारे चीज आपको समझना है। ये आपका कैसे काम करता है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसको देखो समझो। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स, हमने बात किया था कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, तो टू मेजर एंड रिकॉर्ड ऑल प्रोसेस पैरामीटर्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, इन सब को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना। उसके बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होता है, टू प्रोड्यूस एंड आउटपुट सिग्नल ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट सिग्नल। मतलब जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उस आउटपुट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में चेंज करके और उसको कंट्रोलर तक भेजने का काम किसका होता है, ट्रांसमीटर का होता है, ठीक है। और कंट्रोलर क्या होता है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द पैरामीटर्स एट पीएलसी एट डीसीएस। मतलब कंट्रोलर क्या होता है, तो कंट्रोलर एक तरीके का एक ऐसा डिवाइस होता है, जिसमें हम पहले से ही कुछ वैल्यूज सेट करते हैं, और उस वैल्यूज के बेस पे वो कंट्रोलर डिसाइड करता है, जो भी हमें ट्रांसमीटर से सिग्नल आती हैं, पैरामीटर्स जो आते हैं, उस पैरामीटर्स को एनालाइज करता है, और उस जो सेट वैल्यू हम ऑलरेडी कंट्रोलर में फीड किए रहते हैं, उसके बेसिस पे और ये क्या करता है, अपना डिसीजन लेता है, ठीक है, कंट्रोलर का काम। देन पीएलसी और डीसीएस, तो कंप्यूटर डिवाइसेस प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड एंड चेंजिंग द फील्ड पैरामीटर्स। और इस तरीके से पीएलसी और डीसीएस क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोलर से जो भी फीडबैक जो मिलता है, जो भी फीडबैक आप देख पाते हैं, विजुअली देख पाते हैं डीसीएस के थ्रू। एक बेसिक लूप हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बेसिक लूप है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, तो बहुत ही आसानी से आप इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को समझोगे। जैसे मान लो कि ये कोई एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कोई भी प्रोसेस फ्लूड फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑरिफिस लगा दिया जो फ्लो को सेंस करेगा, फ्लो कि कितना फ्लो हो रहा है। तो यहां से जो भी फ्लो सेंस करेगा, फ्लूड का जो भी इसका फ्लो सेंस करेगा, उस सेंस को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा ट्रांसमीटर, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कहां पे सेंड करेगा, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर में हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ पॉइंट सेट करके बैठे हैं कि हमें कितना फ्लो होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो वाल्व को क्या करना है, क्लोज करना है, अगर फ्लो कम रहेगा तो वाल्व को खोलना है। ये किसका काम है, ये इस कंट्रोलर का काम है, इस पीएलसी का काम है। इसे एक तरीके से ये पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है, इसमें हमने पहले से ही सेट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्लो मान के चलो, एक एग्जाम्पल के लिए 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड अगर फ्लो हो रहा है इसमें, इस ऑरिफिस के थ्रू, और ये सेंस करता है ट्रांसमीटर कि 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, और कंट्रोलर में हमने ये सेट कर रखा है कि अगर 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से फ्लो आ रहा है तो ठीक है, आप वाल्व जितना ओपन है उसको उसी पे चलने दो। अगर 10 से कम फ्लो होता है, अगर 6 होता है या फिर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर फ्लो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वाल्व को और खोलना है।
तो यहां से पहले से सेट पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक अपना लॉजिक देगा, अपना यहां से कमांड देगा और इस क्या करेगा, इस वाल्व को और ओपन करेगा ताकि फ्लो ज्यादा हो जाए। इसी तरीके से अगर फ्लो 10 से ज्यादा हो रहा है, हमने 10 सेट पॉइंट पे 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड सेट किया हुआ है और यहां पे अगर फ्लो ये सेंस कर रहा है कि 12 क्यूबिक मीटर या फिर 15 क्यूबिक मीटर पर सेकंड अगर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कमांड देगा, जो हमारा कंट्रोलर है वो वाल्व को कमांड देगा कि आप वाल्व को थोड़ा क्लोज करो क्योंकि फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से एक ये क्या होता है, बेसिक लूप बनता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं आपके इस पीएनआईडी वाले पार्ट पे और यहां से समझने का प्रयास। आप सिंपल सा मतलब समझो, ये देखो हमारे पास पीएनआईडी है और यहां पे आपको कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, तो इनको समझना है तो कैसे समझोगे। जैसे आपको यहाँ पे एफ ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई फ्लो एलिमेंट है। फ्लो एलिमेंट मतलब ऑरिफिस हो सकता है और इसी से कनेक्टेड ये क्या है, फ्लो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसके सेंस जो ये भी जो भी ये फ्लो सेंस करेगा उसको उसका सिग्नल जो है वो कंट्रोलर को भेज देगा। ठीक है, इसके बाद ये इससे कनेक्टेड क्या है, ये स्विच कनेक्टेड है डीसीएस पर। ये डीसीएस पर कैसे पता चला हमें, ये जो लाइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमने देखा था कि ये डेटा लिंक है जो डीसीएस पर डिनोट करता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीसीएस पर है। और एफएचएस का मतलब क्या हुआ, एफएचएस का मतलब हुआ, एफ का मतलब फ्लो, एच का मतलब हैंड, एस का मतलब स्विच, मतलब फ्लो हैंड स्विच है ये। और ये क्या है, एचएसआर, एचएसआर मतलब हैंड स्विच और ये रीसेट का बटन है, है ना। टू लिखा हुआ है तो टू का मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो टू आप नोटेशन में जो नोट्स होता है उसमें आप जाके पढ़ो कि टू का मतलब क्या है। तो टू का मतलब डिनोट कर रहा है कि मैनुअल रीसेट ऑफ 13S003 लॉजिक, मतलब 13S003 पे ये जो होगा मैनुअल रीसेट हो जाएगा। इस तरीके का कुछ लॉजिक है इसके इसमें कंट्रोल में। अच्छा, तो यहां से जो फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो सेंस किया, इसके बाद जो फ्लो आगे बढ़ा, तो यहां पे कंट्रोल करने के लिए क्या है, ये एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है ना। यहां पे क्या लगा हुआ है, कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, FV, है ना। और इसको इसके साथ देखो एक एक्चुएटर लगा हुआ है, जो ये सोलेनोइडल टाइप का एक्चुएटर है FY। और इसका एक चीज कॉमन देखो, ये सब में जो इसका नंबरिंग है ना वो 009 है, मतलब ये कॉमन लूप है, ये एक ही लूप के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, राइट। अगर लूप चेंज होगा तो इनका नोमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इधर देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, TE लिखा हुआ है, तो TE का मतलब क्या हुआ, ट्रांस टेम्परेचर एलिमेंट। फर्स्ट लेटर T क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर, उसके बाद E से एलिमेंट, तो ये कोई टेम्परेचर एलिमेंट है। एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, मतलब तीन टेम्परेचर एलिमेंट एक लाइन से लगे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है ना, जो कि हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, तो ABC इसलिए लगा हुआ है कि इनको डिफ्रेंशिएट करे, क्योंकि एक ही ये भी सारे एक ही लूप में लगे हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ABC लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर एलिमेंट से कनेक्टेड क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब रिमोटली कनेक्टेड है टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ठीक है, इसमें भी देखो ABC से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर से क्या कनेक्टेड है, ये तीनों ट्रांसमीटर किससे कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये फिर ये स्विच जो है वो कहाँ पे इसका कनेक्शन जा रहा है, ये तीनों देखो, ये डेटा लिंक से ये DCS पर जा रहा है, ये टेम्परेचर इंडिकेटर है, कोई टेम्परेचर इंडिकेटर होगा पैनल पर जो शो कर रहा है TI से, टेम्परेचर इंडिकेटर। ठीक है, और ये TAHH क्या है, ये मेरे हिसाब से कोई कंट्रोलर है जो टेम्परेचर अलार्म हाई को शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कोई टेम्परेचर एलिमेंट है एक दूसरा, फिर इससे कनेक्टेड है ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर, देखो इसके बाद ये CCS मतलब सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है कोई, और ये फिर टेम्परेचर इंडिकेटर दिया हुआ है उस पैनल पर।
तो ये देखो ये नोमेनक्लेचर से भी समझ में आ रहा है कि ये लूप अलग अलग है। जैसे ये 006ABC है, ये 007 है, मतलब ये लूप एक अलग है, इसका ये इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक अलग लूप में है और ये एक इंस्ट्रूमेंट अलग लूप में है। तो ये सारा चीज़ आपको बेसिक चीज़ है जो समझना है। इसी तरीके से यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो इसका PDT, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर है। और ये सिग्नल कहाँ पे भेज रहा है, पैनल पर भेज रहा है, प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट इधर देख लो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, जैसे ये देखो, ये पंप है ना, पंप से ये कोई आउटपुट निकल रहा है, तो यहाँ पे ये PI लगा हुआ है, प्रेशर इंडिकेटर। तो बेसिकली ये एक तरीके का प्रेशर गेज रहा होगा, प्रेशर गेज होगा, प्रेशर इंडिकेटर क्या है, गेज ही है वो होता है। इसके अलावा इधर भी देखो, इधर भी PI है, यानी प्रेशर इंडिकेटर है, मतलब ये गेज है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PDI, प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा, प्रेशर डिफरेंस को इंडिकेट करेगा। ये देखो, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये क्या सिंबल है, स्ट्रेनर है। तो स्ट्रेनर मान लो ये क्या है, स्ट्रेनर है। तो मान लो कि स्ट्रेनर के दोनों तरफ में फ्लो बराबर है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, इस प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर से पता चलेगा। अगर मान लो कहीं पे ये चोक हो जाता है, क्या हो जाता है, कहीं पे चोक हो जाता है, तो एक तरफ का इधर फ्लो इधर से इधर आ रहा है, इधर सक्शन में, तो ये फ्लो इधर से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये स्ट्रेनर चोक हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो जाएगा ही नहीं। तो जब इधर फ्लो नहीं जाएगा, इधर ये सेंस नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशियल मतलब प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो स्ट्रेनर है वो चोक हो गया है, तो फिर हम इसे सर्विसिंग इसका जो भी करना है करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। इसके अलावा और क्या इंस्ट्रूमेंट है इधर, और कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या, जैसे ये देख लो, ये लाइन है, लाइन, जैसे अगर ये लाइन जा रही है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PT, मतलब ये कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है। और प्रेशर ट्रांसमीटर का जो सिग्नल कहाँ जा रहा है, ये स्विच पे जा रहा है कहीं पे, स्विच पे। और ये क्या है, PSH, यानी प्रेशर हैंड स्विच है कोई। इसके अलावा ये भी प्रेशर हैंड स्विच ही है, ये लो इंडिकेशन कर रहा होगा, लो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा होगा। इसके अलावा इधर क्या लिखा हुआ है, फ्लो एलिमेंट, वही ऑरिफिस वगैरह होगा। और इसका क्या, इसके साथ में कोई ट्रांसमीटर भी है, फ्लो ट्रांसमीटर है। देन ये फ्लो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, यहाँ से ये सिग्नल किसको बाईपास कर रहा है, फ्लो कंट्रोलर को जा रहा है। और फ्लो कंट्रोलर में कुछ ना कुछ सेट पॉइंट होता है, तो वो यहाँ से अपने लॉजिक के हिसाब से फिर इधर ये फ्लो वाल्व को क्या होता है, इस एक्चुएटर को क्या करेगा, सिग्नल देगा, और उस हिसाब से कोई भी फ्लो के हिसाब से जो वाल्व है वो ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, LV, यानी लेवल कंट्रोल वाल्व है ये। इसका कहाँ से काम चल रहा है, ये देखो, इसका सिग्नल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से LC, लेवल कंट्रोलर से आ रहा है। और ये कंट्रोलर किससे कनेक्टेड है, LT से कनेक्टेड है, लेवल ट्रांसमीटर से, मतलब कोई लेवल ट्रांसमीटर है। और इस लेवल ट्रांसमीटर के हिसाब से, मतलब लेवल यहाँ पे कम या ज़्यादा होगा, अगर लेवल कम या ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से इस, अगर यहाँ पे मतलब इस कॉलम के अंदर आप देखो, तो ये जैसे कि कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और कॉलम में क्या लगा हुआ है, ये LT लगा हुआ है, लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो लेवल ट्रांसमीटर का सिग्नल कहाँ जा रहा है, लेवल कंट्रोलर में, LC में। और लेवल कंट्रोलर किसको कमांड कर रहा है, इस वाल्व को, इस वाल्व को। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ लेवल में कुछ अगर कम या ज्यादा होगा, तो
तो उसके हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से ये वाल्व जो है ओपन या क्लोज होगा। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब, अगर हम अगर अगर पूरे इस PNID में अगर हमने समझा और देखा, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है कि आपके प्रोसेस को मॉनिटर करना और आपके प्रोसेस को कंट्रोल करना। यानी जो भी प्रोसेस फ्लो हो रहा है आपके इंडस्ट्री में, उस प्रोसेस को मेजर करना है, कंट्रोल करना है। बस यही एक काम है इन इंस्ट्रूमेंट्स का। तो एक तरीके से ये सेफ्टी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीजें इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको समझ में आई होगी, है ना। तो इसके बाद एक और वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जैसे PNID है, तो इसको शुरू से कैसे देखना है, क्या क्या चीजें इनमें इसमें हमें देखनी होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको मिलता है। तो एक बार हम सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे, जो कि हमने अलग अलग पार्ट में अभी तक कंप्लीट किया है, इक्विपमेंट को, पाइपिंग को और इंस्ट्रूमेंट को। तो अब एक ऐसा वीडियो हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम इन सारे चीजों को इकट्ठा समझने वाले हैं। अलग अलग अभी तक हमने समझा, अब एक बार रिवाइज करेंगे उन सारी चीजों को और एक बार अच्छे से फिर से पूरा क्लियर करेंगे कि एक PNID को किस तरीके से देखा जाता है। अभी इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में मुझे लगता है कि आपको बेसिक चीजें, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट हो, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या समझने में परेशानी हो रही है। तो उसको मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की, और हो सके तो आप एक दो बार वीडियो देखो, तो आपको और भी ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आज हमने क्या क्या चीजें कवर की, एक इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसे पहचाने, कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है, लाइक वो फील्ड में माउंटेड है, पैनल पर है, पैनल के पीछे है, या फिर DCS पर है, ठीक है। इसके अलावा हमने उसका नंबरिंग कैसे किया जाता है वो हमने देखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि उस पे कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको कैसे समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। और बेसिक लूप के बारे में हमने समझा कि किस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो आप दोबारा से इस चीज़ों इसको देखना एक बार और समझने की कोशिश करना। बाकी इसके अलावा मैं जो PNID का ये सारा जो PDF है, ये सारा PDF मैं अपलोड कर दूंगा www.sonusingrefinery.com पर। तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो, जब आप इन चीज़ों को देखो, समझो, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।